दोस्तों मेरे पास ये रियलमी का 3 मोबाइल है और इसमें आप देख सकते हैं फ़ोन को ऑन करने पे यहाँ पर लिख आ रहा है डीएम वेरीफाई करप्शन। तो अगर आपके पास रियलमी का कोई भी मोबाइल आता है और अगर आपको इसमें ये वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बिना पीसी के मदद से। तो इसके लिए आपको लगेगा एक ओटीए फाइल। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ओटीए फाइल कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फोन को वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को प्रेस करके आपको रखना है, इससे आपका जो फोन है ये आपका रिकवरी मोड में चला जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा जो फोन है ये रिकवरी मोड में यहाँ पर जा चुका है। फिर यहाँ पर इंग्लिश पे ओके करके फिर आपको इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज या फिर एसडी कार्ड जहाँ पर आपका फाइल है वहाँ से आपको इसको सिलेक्ट करके आपको ओके कर देना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज, मैं आपको यहाँ पे करके मैं दिखा देता हूँ। और जब आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने ओटीए फाइल जहाँ भी रखा है आपको वहाँ पे उसका ऑप्शन शो करने लगेगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक करके आपको अपडेट पर ओके कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों फोन जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर इसका अपडेट होने लगा है। दोस्तों ये प्रोसेस कंप्लीट होने में आपका 10 मिनट तक का लग सकता है, तो सिंपली आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको फाइल कहाँ से डाउनलोड करना है। दोस्तों इसके लिए आपको सिंपली आ जाना गूगल पे, फिर आपको सर्च करना है Realme OTA फाइल और आपका पहला जो भी लिंक देगा सिंपली आपको उस पर क्लिक करके आपको उस पर चले जाना है। फिर आप जब नीचे में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वहाँ पे Realme का जितना भी मॉडल है सबका OTA फाइल आपको वहाँ पे शो करने लगेगा। दोस्तों अगर आप कहीं और से अगर आप OTA फाइल को डाउनलोड करते हैं तो हो सकता है कि आपको जो फोन का जो सॉफ्टवेयर है ये वर्क ना करे या फिर आपको वो फेल हो जाए, वो अपडेट ना हो। तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों फोन का जो सॉफ्टवेयर है ये अभी भी यहाँ पर अपडेट हो रहा है। चले मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन जो यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। अब चलिए मैं आपको फोन को एक बार रिबूट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि फोन जो है ये पूरे तरीके से भी ऑन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों फोन जो है यहाँ पर रिबूट हो रहा है और रिबूट होने में भी आपका हो सकता है कि 5 मिनट तक का टाइम लग सकता है, तो आपको यहाँ पर सिंपली वेट कर लेना है। और फिर चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर ऑन करके मैं चेक करता हूँ कि फ़ोन जो है ये डीएम वेरीफाई करप्शन में अभी भी आता है या फिर पूरा का पूरा ऑन हो जाता है। दोस्तों ओटीए फाइल से आपका रियलमी का कोई भी मोबाइल का फ्लैशिंग आप इजीली कर सकते हैं बिना किसी पीसी के मदद से। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फोन जो है यहाँ पर पूरी तरीके से अभी ऑन हो चुका है और फोन का जो भी सॉफ्टवेयर था सारा का सारा सॉफ्टवेयर यहाँ पर अपडेट हो चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये आज का ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आप मोबाइल से रिलेटेड वीडियो देखने में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि फोन का जो भी लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर था वो यहाँ पर अभी अपडेट हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।